नीम बोलते ही हम लोग पहले नीम के पत्ते की याद आती है, जिससे हम लोग कीड़े मकोड़े कंट्रोल करते हैं। लेकिन नीमबोली इससे ज़्यादा असरदार है। इसमें बहुत सारे उपकारी उपादान है जो कीड़े मकोड़े को मारता है। जैसे सुंडी को पत्ता काटने में रोकते हैं, सुंडी को पीपा में परिवर्तन होने में रोकते हैं। घरेलू उपचार में हम लोग नीम के तेल के व्यवहार करते हैं, जिससे हम लोग बहुत सारे कीड़े मकोड़े कंट्रोल करते हैं। लेकिन बहुत सारे टाइम ये होता है कि अच्छे क्वालिटी के नीम के तेल मिलता नहीं है, या जो मिलता है वो इतना असरदार नहीं होता है। तो हम लोग नीम के बीज या नीमबोली से जैविक कीटनाशक तैयार कर सकते हैं। इस मौसम में आप लोगों ने देखा होगा, नीमबोली पेड़ से गिर के नष्ट हो जाते हैं, जिससे हम लोग इकट्ठे करके सुखा ले तो हम लोग जैविक कीटनाशक तैयार कर सकते हैं। इस जैविक कीटनाशक को बनाने के लिए हमें जो उपादान चाहिए होगा वो है 5 किलो नीमबोली, 20 लीटर गुनगुना पानी, 200 ml लिक्विड डिटर्जेंट और सूती के कपड़े छानने के लिए। एक चीज़ हमें याद रखना पड़ेगा, अगर हमें कल ये स्प्रे करना है फसलों में, तो आज रात को या शाम को ये कीटनाशक बनाने का तैयारी शुरू करना पड़ेगा। इसको बनाने के लिए पहले हमें निम्बोली को अच्छी तरह से पाउडर करके उसको एक बाल्टी में लेना पड़ेगा। उसमें फिर गुनगुना पानी डाल के एक लकड़ी से अच्छी तरह से मिलाना पड़ेगा। इसको मिलाने के बाद रात भर इसको ऐसे ही छोड़ देना पड़ेगा। ये बेहतर होगा अगर हम लोग बीच बीच में इसको थोड़ी देर के लिए हिला पाए तो। अगले दिन सुबह इसको सूती के कपड़े से छान के उसमें लिक्विड डिटर्जेंट डाल के अच्छी तरह से मिला लेंगे तो ये घोल तैयार हो जाएगा। इस घोल को हम में और 80 लीटर पानी में मिला सकते हैं, जिससे 100 लीटर स्प्रे सॉल्यूशन तैयार हो जाएगा, जिसको हम लोग फसलों में स्प्रे कर सकते हैं। इसको बनाने के टाइम कुछ बातें हमें ध्यान रखना पड़ेगा। वो है, हर बार हमें नया तरीके से ये घोल बनाना पड़ेगा। दूसरा ये है कि ये घोल को हम लोग धूप के नीचे ना रखें, और ये जैविक कीटनाशक उपकारी कीड़े या मधुमक्खी के ऊपर कोई हानि नहीं पहुंचाता। ये जो जैविक कीटनाशक हमने बनाया, इसके बाद जो घोल पड़ा रहेगा या अवशेष पड़ा रहेगा, उसको हम लोग मिट्टी में अच्छी तरह से मिला ले तो फसलों को कृमि के आक्रमण से बचा सकते हैं, और ये जैव सार के रूप में मिट्टी की गुणवत्ता बढ़ाता है।